हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज देखिए फ्रेंड्स, मैं आप लोग को बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत डिज़ाइन दिखाऊंगी, बेबी सॉक्स के, वूलन ब्लाउज़ के, बेबी कैप के, बहुत ही अच्छी अच्छी डिज़ाइन। अगर आप लोग बनाना चाहते हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप लोग कौन सी डिज़ाइन बनाना चाहते हैं। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे मैंने ये बेबी कैप बनाया हुआ है जो कि बहुत ही प्यारा लुक दे रहा है। ये देखिए ऊपर के साइड का है, ये पहनने पर बहुत ही अच्छा लगेगा। और ये देखिए ऐसे इसको मैंने रेड और येलो कलर में बनाया हुआ है, फेदर के ऊल से मैंने इसको बनाया हुआ है। देखिए ये पहनने पे जब ये पूरी लटक पे आएगी तो बहुत ही अच्छा लगेगा फ्रेंड्स, तो आप लोग ज़रूर इसको बनाएं। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, ये वुलन ब्लाउज है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। आप इसे चाहे तो हाफ जैकेट की तरह भी यूज कर सकते हैं जींस पे। देखिए ये बहुत ही अच्छा लगेगा। इसको मैंने क्रोशिया से बनाया हुआ है फ्रेंड्स, अगर आप लोग इसको बनाना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं आप लोग को ज़रूर बताऊँगी बनाना। देखिए बहुत ही प्यारा लग रहा है ये, देखिए देखिए फ्रेंड, ये हमारा सेकेंड वुलन ब्लाउज है। इस पर मैंने एम्ब्रॉयडरी किया हुआ है जो कि बहुत ही प्यारी लग रही है, बहुत अच्छा लुक भी दे रहा है, तो आप लोग ज़रूर बनाएं। और अगर आप लोग इससे बड़ी साइज़ बनाना चाहते हैं या आप लोग को कोई और प्रॉब्लम है, आप लोग को अच्छा लगता है तो ज़रूर आप लोग बताएं। देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा थर्ड है, देखिए बहुत ही प्यारा लग रहा है ये भी। ये वुलन ब्लाउज है, बिल्कुल सिंपल सा है ये सब वुलन ब्लाउज, आप लोग इसे इजली बना सकते हैं बिल्कुल कम टाइम में। ये देखिए मैंने अभी जल्दी में इसको बनाया है, एकदम नई सी डिज़ाइन है इसकी, पिंक और ब्लैक कलर में मैंने इसको बनाया हुआ है ये देखिए। और झालर वाला यहाँ पे मैंने ये बॉर्डर बनाया हुआ है। ये देखिए राउंड नेक का है ये, और यहाँ पे मैंने मोती लगाई हुई है। देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है फ्रेंड्स, तो आप लोग ज़रूर इसको बनाएं। ये देखिए कितनी प्यारी लग रही है। बहुत सारे ऐसे वुलन ब्लाउज है फ्रेंड्स जो कि अभी मेरे पास है नहीं, फिर भी देखिए अभी देखिए ये जैकेट बनाया हुआ है हाफ, देखिए ये पिंक कलर, देखिए पिंक कलर और वाइट कलर में मैंने इसको बनाया हुआ है। ये पूरा नहीं आ पा रहा है, बहुत ही अच्छा है ये देखिए। बैक साइड से ऐसे है, फ्रंट साइड से ये ऐसे है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये कितना खूबसूरत लग रहा है। ये मैंने अभी बेबी फ्रॉक बनाया हुआ है, देखिए ये डार्क पिंक कलर में और वाइट कलर में। ये देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है फ्रेंड्स, तो आप लोग ज़रूर इसको बनाएं। ये देखिए बैक साइड से ऐसे है ये। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने कुर्ती, लॉन्ग कुर्ती बनाई हुई है। ये देखिए मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता रही हूँ क्योंकि पूरा ये कैप्चर नहीं हो पाया है। देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है फ्रेंड्स, तो आप लोग ज़रूर इसको बनाएं। ये देखिए पूरा लुक ऐसे आएगा ये। और आस्तीन देखिए ऐसे है, यहाँ पर मैंने झालर लगाई हुई है, सेम आगे पीछे का एक ही जैसा है ये देखिए। और यहाँ पे ये देखिए राउंड नेक पे बना हुआ है। अगर आप लोग इस वुलन ब्लाउज को बनाना चाहते हैं, बड़े साइज में बनाना चाहते हैं या छोटे साइज में, तो आप लोग कमेंट करें क्योंकि ये बहुत ही प्यारा है। ये वुलन ब्लाउज आप लोग अपनी दादी के लिए, नानी के लिए या अपनी सासू माँ के लिए बना सकते हैं क्योंकि ये सिंपल वुलन ब्लाउज है। ये देखिए बिल्कुल सिंपल है। और ये देखिए यहाँ तक आस्तीन इसकी बनती है, आप चाहे तो इसको फुल आस्तीन भी रख सकते हैं। ये जैसे लगता है फ्रेंड्स कि ब्लाउज जैसे होता है, सेम वैसे ही है इसका पूरा लुक आता है। ये देखिए सिर्फ ब्लाउज हो और वैसे ही ये पूरा बनता है। और ये दोनों साइड से देखिए उल्टी उल्टी इसकी नीटिंग होती है, तो इसको बिगनर्स भी बना सकते हैं। यहाँ पर ना ज़्यादा कहीं घटाने का सिस्टम है और ना ही बढ़ाने का, सिर्फ आस्तीन में बढ़ाना होता है। बहुत इजी है, इसकी वीडियो मैंने डाली हुई है, अगर आप लोग बनाना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, इसका लिंक मेंशन हो जाएगा, आप लोग ज़रूर ट्राई करें क्योंकि सर्दियाँ स्टार्ट हो गई, तो नई नई डिज़ाइन आप लोग बनाएं। ये देखिए तो फ्रेंड्स आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को आज की वीडियो कैसी लगी, कौन सी डिज़ाइन आप लोग को ज़्यादा पसंद आया है। ये देखिए आप लोग को कौन सा अच्छा लगा फ्रेंड्स, ये ज़रूर बताएं आप लोग।
देखिए बेबी कैप मैंने 4 से 5 बेबी कैप बनाया हुआ है, तो आप लोग बताएं कि आप लोगों को कौन सा अच्छा लगा। तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू।